हेलो, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। आज डेट है जी 5th of December 2022 और आज हम आए हुए हैं मैंदी बीच। जो है ये डे टाइम बीच है और ये सिडनी का वन ऑफ द बिजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है। मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत सारा कुछ है करने को। मैं आपको फर्दर इस ब्लॉग में बताऊँगी भी कि आप लोग यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैंने जाके रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन सी ब्रीज जी इतनी ज़्यादा थी कि कोई आवाज़ मेरी नहीं आ रही थी। अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, बिल्कुल ही फर्स्ट व्लॉग है, तो इतना पता नहीं था कि कितनी ऊंची आवाज़ में ऐसी इतनी तेज़ हवा में बोलना है। तो जी अब इसको वॉइस ओवर करना पड़ा है और जी हम कर रहे हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आई होप सो, फिंगर क्रॉस्ड। मेहनत की है इस वीडियो में। इससे पहले मैं 2 व्लॉग्स बना चुकी थी, लेकिन वो बहुत हैपहैज़र्ड थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। जब ख़ुद को अच्छे नहीं लगे तो फिर अपलोड भी नहीं किए। तो इरादा है कि ये वाला व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी और आप लोगों को पसंद आएगा। जी ये है मैंदी बीच के प्यारे प्यारे से नज़ारे और आप फर्दर भी इंजॉय करें। आज वहाँ मैंदी का दिन गुजारा है और बहुत ही अच्छा गुजरा है। आज एक्चुअली संडे था, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है, बहुत मज़ा आता है इधर आके। बिजी होती है लेकिन आज बिजी नहीं है मेरी ड्यू। अभी सनसेट करीब है इसलिए यूजली दोपहर के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ट्रिप में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी अब हम जा रहे हैं वरिंगा मॉल की तरफ। वरिंगा मॉल मैंदी से बहुत ज़्यादा करीब है और यूजुअली हम जब भी मैंदी जाते हैं तो वरिंगा मॉल ज़रूर जाते हैं। तो जी ये देखिए गोल्डन आर है। गोल्डन आर में हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती है। आप सिडनी में नहीं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी मुझे आप लोगों का पता नहीं, आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला वक्त कैसा लगता है। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग और ये जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, ये वाले दो टाइम मुझे डेज के बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम आ गए हैं वरिंगा मॉल। ये मॉल मैंदी बीच के सबसे ज़्यादा करीब है और इस मॉल के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जब मैंदी देखने आए थे तो हम लोग चप्पलें चढ़ा के और हम इधर आ गए और इस तरह रात हो गई और हम फिर मेहंदी नहीं जा सके थे। बड़ा प्यारा मॉल है सारा, मैंने देखा नहीं हुआ। लास्ट टाइम भी हम इधर वॉशरूम यूज़ करने ही आए थे और इस टाइम भी हम वॉशरूम यूज़ करने ही जा रहे हैं, क्योंकि बीच से आके फिर सारा कुछ गंदा वगैरह हुआ होता है तो क्लीन अप करने के लिए। यही एक मॉल करीब है। चलिए जी यहाँ से एंट्रेंस है और हम यहाँ से एंटर होते हैं। ये देखिए इस तरह का है। इस वक्त 5 o'clock हो रहा है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा कुछ बंद हो गया होगा। ऐसे यहाँ पे शॉप्स, यहाँ पे यूजुअली सब कुछ 5 o'clock तक क्लोज़ हो जाता है। पाकिस्तान में सारा कुछ 5 o'clock खुलता है और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग से 5 o'clock तक क्लोज़ हो जाता है। ये कोल्स है, यहाँ से यूजुअली हम ग्रॉसरीज करते हैं। ये ग्रॉसरी स्टोर है, कोल्स है और इसी तरह का एक वूलवर्थ है। क्रिसमस करीब है तो यहाँ पे जगह जगह इस तरह इन्होंने क्रिसमस की डेकोरेशंस की हुई हैं। और ये यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। ये देखिए होपफुली ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूंगी मैं, क्योंकि इससे पहले 2 व्लॉग्स बनाए थे और वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा फजूल बना था। एक क्लिप के बाद दूसरा क्लिप, कोई भी उसमें जो है वो इस तरह सिमेट्री नहीं लग रही थी, समझ ही नहीं लग रहा था कि क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया है। तो इस दफ़ा थोड़ी सी और एफर्ट डालिए, देखिए किस तरह का बनता है।
इस तरह का ये ऊपर से आप देखें तो ये सनलाइट वगैरह यहाँ आती है, और इस तरह का जगह जगह इन्होंने यहाँ पे मॉल्स में इस तरह का इन्होंने सोर्स ऑफ लाइट क्योंकि सन ही बना रहा होता है, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, तो इस तरह ये प्यारा भी बहुत लगता है। और ये है कि नेचुरली लाइट भी आ जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इतनी नहीं होती। जी ये है यहाँ का के मार्ट, जहाँ पे यूजुअली बहुत ज़्यादा चीप चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छी मिल जाती हैं कपड़े, यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो हम एवरीडे यूज़ के कपड़े होते हैं। ये देखें ये सारा यहाँ पे जो है वो सोर्स लाइट सोर्स जो है वो सनलाइट ही है, बहुत थोड़े थोड़े यहाँ पे ये बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, और इनका यूजुअली सारा कुछ 5 बजे बंद करने का बेसिक पर्पस भी ये होता है कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकें। तो यहाँ पे यूजुअली 9 o'clock 8 o'clock शॉपिंग सेंटर सारा कुछ खुल जाता है, और 4 o'clock तक यहाँ पे सब कुछ क्लोज हो जाता है। मैं जब नई नई इधर आई थी तो मुझे ये चीज़ बहुत वियर्ड लगी थी कि अर्ली मॉर्निंग कौन शॉपिंग के लिए जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही हमारा ब्रॉट अप एक अलहदा कंट्री में हुआ होता है तो ये चीज़ें बहुत वियर्ड लगती हैं शुरू शुरू में, लेकिन अब आदत हो गई है, अब समझ लग गई है। अगर आपने कपड़े लेने हैं, ग्रॉसरी लेनी है, इवन अगर आपने खाने पीने को भी कुछ लेना है तो आप 5 o'clock तक ही लेंगे। चलें जी, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लिप में, अभी के लिए। ये देखें जी, ये इनका एक बहुत प्यारा सा एरिया है, यहाँ पे यूजुअली ये लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, यहाँ पे इर्द-गिर्द सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं, क्रिसमस की वजह से क्रिसमस ट्रीज डेकोरेट किए हुए, अदरवाइज ये ऊपर से सनलाइट और साथ ये, और ये हमारे सेंटा भाई, ये देखेंगे। हेलो, और बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेशंस हुई हैं। मैं खुद क्रिसमस के सीज़न में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस तरह मॉल्स में, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रश होता है, आप शॉपिंग कर ही नहीं सकते, ब्लैक फ्राइडे की सेल्स लगी होती हैं तो हर जगह बहुत ज़्यादा रश होता है। ये दी अब रेस्ट रूम्स, इधर हम जा रहे हैं। और अब आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ा सा क्लीन अप होके, अपनी ये जो मेरे पाँव पे सैंड वगैरह लगी हुई है ये उतार के, फिर आपसे नेक्स्ट मिलते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ का होता है। अब हम वरिंगा मॉल से निकल चुके थे, वरिंगा मॉल से अब हम जा रहे थे कुछ खाने पीने, और मुझे पता है इस वाले व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर्स मिलेंगे, मैं क्या करूँ, मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, अभी मुझे हेजिटेशन होती है पब्लिक प्लेस में बोलने में, तो इसलिए मुझे यही था कि मैं चले वॉइस ओवर कर लूँगी, अभी स्टार्टिंग लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी, आहिस्ता आहिस्ता वो जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं पब्लिक प्लेसेस में इतना कैजुअली इतनी आसानी से बोल पाऊँगी। तो जी अब आप इंजॉय करें सिडनी की इन रोड्स के कुछ व्यूज़, ये एरिया वरिंगा है और जैसे कि मैंने आपको बताया था, और बस आप देखिए और इंजॉय कीजिए। इसके बाद ही हम लोग पहुंच गए अल्नू पिज़्ज़ा, ये एक पर्शियन रेस्टोरेंट है और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो पर्शियन पिज़्ज़ा और पर्शियन सैंडविचेस हैं। इसकी एम्बियंस बहुत अच्छी है, ये बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे जो टिपिकली ओल्ड पर्शियन इनके एंटीक्स होते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप ये देखें, ये यहाँ पे डिज़र्ट और इनके सैलड्स और इनकी ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर इन्होंने शो की हैं, और जैसे कि मैं आपको बता रही थी यहाँ पर ये अपने एंटीक्स और अपना कल्चर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पर आपको एक टीवी नज़र आएगा, रेडियो नज़र आएगा, इसके अलावा लैम्प्स
और टेलीफोन, ये वाला इन्होंने जो कॉर्नर है ये स्पेशली डेडिकेट किया हुआ है अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस इसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, घर चले गए और बस यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग ख़त्म किया। मेरे से फर्दर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और बस यही था हमारा आज का दिन, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।